हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और अभी जो आवाज़ थोड़ी सी एको हो रही है उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी हम आए हैं हिसार हरियाणा के मतलब वन ऑफ द बेस्ट जिम में जो अभी अभी खुला है यहाँ पे। और टाइम हो गया दिन के 3:27 अगर आप देख पा रहे हो तो, ओहो ये तो सिरी ऑन हो गया। टाइम हो गया 3:27 और पूरे दिन से मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, मैं घर आता हूँ तो डाइट वाइट उतनी अच्छे से हो नहीं पाती। पर यहाँ पे अपना एक दोस्त है जिसने एक नया जिम खोला है जिसका नाम मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये देखो द वेलनेस जिम, जो वेलनेस जिम की जो ब्रांच है काइंड ऑफ वही है और इनका पूरा सेटअप वेलनेस जिम का है। मैं आपको पूरा जिम दिखाऊंगा और यहाँ पे आज वर्कआउट भी करेंगे, शोल्डर का बेस्ट वर्कआउट। वैसे मेरा लास्ट जो सेशन था वो काफ़ी इंटेंस था, उस वजह से ट्रैप्स वगैरह में और बैक में काफ़ी सोरनेस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिकवर्ड अभी तक हुआ नहीं हूँ। लेकिन उसके साथ साथ एक बात बढ़िया है कि जिम पूरा खाली पड़ा है क्योंकि दिन का टाइम है, दिन में यहाँ पे कोई करता नहीं है वर्कआउट। बट ओनर के लिए तो ये बात ऑब्वियसली बढ़िया नहीं है, लेकिन जो कर रहा है एक्सरसाइज उसके लिए ठीक है। हमें अब यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है और शायद आवाज़ थोड़ी सही आ रही होगी, एको बेशक हो रही हो पर आवाज़ फिर भी ठीक होगी। तो अभी हम करने वाले यहाँ पे शोल्डर का वर्कआउट, थोड़ी मेरी वीडियो में हेल्प करेगा ये। और इसको आप अगर पिछले व्लॉग देखे होंगे आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं इसका बार बार इंट्रो करा के बोर नहीं करूँगा। तो शुरू करते हैं वर्कआउट को, अभी लेते हैं सबसे पहले प्री वर्कआउट। तो भाई अभी लेने लगे हैं प्री वर्कआउट, तो अभी ये वाला प्री वर्कआउट मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका टेस्ट जो आफ्टर टेस्ट है वो इतना बेटर नहीं है, पर इसके रिजल्ट बहुत बेटर हैं, जो आपको पंप देता है बहुत बढ़िया। आज जैसे मन नहीं है वर्कआउट का, मन तो देखो है टू बी ऑनेस्ट मन रहता है वर्कआउट का, बट दिक्कत क्या होती है कि स्टिफनेस होती है या सोरनेस होती है ना, तो वर्कआउट होता नहीं है। पर ये उस चीज़ में बिल्कुल हेल्प करता है, आप लेते ही ना आपके अंदर ऐसा जोश आएगा मतलब जो जोश चाहिए होता है वो वाला। ये डाल दिया इसके अंदर, कम पानी में मैं प्रेफर करता हूँ प्री वर्कआउट लेना। और इसको शेक वेक ऐसे हल्का फुल्का करता हूँ, कोई ज़्यादा कोई साइंस नहीं है भाई, जैसे आपको सूट। देखो लोगों को बहुत सारे इश्यूज होते हैं प्री वर्कआउट लेते हुए, कितने पानी में लेने चाहिए कितने, कुछ नहीं है, जैसा आपको सेट लगता है वैसे लो। प्रेफर मैं ये करता हूँ, आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो, कम पानी में प्री वर्कआउट लो, बेस्ट मतलब जो उसका असर है वो होगा। बहुत ज़्यादा चीटियाँ काटने वाला बीटा एलेनिन वाला वो सब प्री वर्कआउट लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रखो जो आपको किक दे बस हल्का सा, और आदत भी नहीं डालनी चाहिए टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा पानी कम रह गया, भर लेते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. गाइज अभी शोल्डर प्रेस मिलिट्री प्रेस से शुरू किया है, पंप देखो कितना ज़बरदस्त आ रहा है यहाँ पे। देखो वैसे जिम में कोई नहीं है, पर ऐसा नहीं है भाई, देखो खाली जिम थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर लगता है। अगर आप वर्कआउट करने वाले हो और आपको लगता है कि आप ट्रेन कर सकते हो, आपको पता है क्या ट्रेन करना है, आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो। और शाउट आउट टू दिस, ये भाई क्या सही व्लॉगिंग कैमरा है। ऑल दो मैं कर नहीं पा रहा व्लॉग तो आप देख रहे होगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ भाई मैक्सिमम व्लॉग कर सकूँ। अभी लीन प्रोग्राम चल रहा है तो बॉडी कटनी भी शुरू हो गई है, तो जैसे जैसे जो जो रिजल्ट्स आएंगे मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। और अभी फ़िलहाल हिसार आया हूँ अपने होम टाउन, जिन लोगों को नहीं पता हिसार कहाँ, हिसार हरियाणा में है। और यहाँ पर जिम विम का ना बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ चुका है, इतने सारे जिम खुले हैं यहाँ पर। पर जिस जिम में मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ ये एक है दोस्त उनका है कपिल शर्मा, और उन्होंने ही मतलब आज परमिशन उनसे ली, मैंने मैं कहा भाई वर्कआउट करना है, वो बोले कोई दिक्कत नहीं आप आओ अपना वर्कआउट करो। अभी ना मुझे सारी लाइट्स वाइट्स का ही पता नहीं है तो थोड़ी सी लाइट्स बुरी आ रही है, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सेटअप कितना प्यारा है। ये सारा यहाँ पे मैं शोल्डर प्रेस लगा रहा हूँ, ये वेलनेस जिम का इन्होंने जैसे मैंने बताया सामान वगैरह, ये केज बड़े सही है इनके हैवी हैं, उधर सारा वेलनेस का सेटअप है और वो मेरी वहाँ पर फ़ोटोज़ लगा दी इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे ये हैक्सकोट का हो गया, ये सारी मशीन्स मतलब बेस्ट मशीन जो होती हैं वो है, ये सारा उधर तक, और वो जो पीछे जो एरिया है वहाँ पे ग्रुप क्लासेस ये लेते होंगे। तो ये सारा इधर कार्डियो सेक्शन हो गया, हालांकि ये अब मैं मुझे ना मेरा क्योंकि पहले मैं हिसार में वर्कआउट कराता था तो हिसार के लोगों को ये पता होगा
कुछ जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको ये पता होगा कि भाई हिसार में जिम का ना बड़ा ऐसा है कि बेवकूफ़ भी बहुत बनाते हैं लोग, और बहुत होता है ऐसा, हर जिम में होता है। तो आपको मैं एक बार सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो मेरा फ्रेंड है, मेरे मोस्टली सारे ही फ्रेंड हैं जितने भी हिसार में जिनके जितने भी जिम्स हैं, लेकिन मैं आपको कोई भी जिम सजेस्ट नहीं कर रहा। एक बार इधर आओ, एक महीना करो, इससे ज़्यादा नहीं, एक महीना करो, एक महीने की मेंबरशिप लो, उससे कम की अगर ये देते हैं तो उससे कम की लो, एक बार करके देख लो। आप सामान से आपको पता चल जाएगा, लोगों से आपको पता चल जाएगा। वो पानी लेके आ गए क्योंकि यहाँ पे जो पानी था वो चिल्ड निकल रहा था इसमें से, तो मुझे नॉर्मल पानी चाहिए था इसलिए मैंने नॉर्मल मंगाया। तो आप एक बार आओ, एक बार ट्राई करो और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितना फ़र्क है सही जिम में, सही सेटअप में और सही मशीन्स में। लोगों की मशीनें ख़राब हुई पड़ी हैं और वो फीस इतना इतना चार्ज कर रहे हैं। एनीवेज मैं वर्कआउट करता हूँ, कैरी ऑन, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो भाई इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन सी फील हो रही है ना, लेकिन अब ट्राई करते हैं। वैसे बैक वैक में सोरनेस जैसे मैंने बताया, तो अब ट्राई करते हैं 25 kg से 10 रैप्स मिनिमम, क्योंकि जैसे उठा रहा हूँ ना तो ये ट्रैप्स भी दर्द कर रहे हैं, कल करा था सारा ट्रैप्स का, और लोअर बैक में भी स्टिफनेस है क्योंकि कल डेड लिफ्ट भी लगाई थी और फिर ट्रैवल हो गया था थोड़ा, दिल्ली से ही सहारा आया था मैं। बट ट्राई करते हैं 10 रैप्स आ जाएं। बेल्ट मैं अभी इनके लिए नहीं बांध रहा हूँ क्योंकि वो हैवी वेट में मैं डालता हूँ, तो 25 किलो सोच करता हूँ 10 रैप्स आ जाते हैं। लेट्स गो। भाई इतने भारी लग रहे हैं 25 kg के भी। लेट्स गो करते हैं ट्राई। आराम से आया, ऐसी कोई बात नहीं है, दो और मार सकता था लास्ट रैप, फिर मैंने पूरा खींच के लगाया। फटाफट से शोल्डर का वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, फिर लेते हैं प्रोटीन की स्कूप और कोशिश करते हैं कुछ बढ़िया सा खाने का मिल जाए। चीटिंग नहीं करूँगा बिल्कुल भी नहीं, पर बाहर का जरूर खाऊँगा, ट्रीट देने क्योंकि वीकेंड भी यही है। और कल आपको अगर पॉसिबल हुआ तो घर में मैं जो देसी खाना होता है ना भाई, जो लगता है सीधा यहाँ पे आके, वो दिखाऊँगा आपको, सबसे बेस्ट फूड है। हाँ डेली आप वो भी नहीं खा सकते अगर आप न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा बातें करते हो, पर ऑल एंड ऑल बहुत बढ़िया फूड है, मेरा फेवरेट है। मतलब अगर हरियाणा का बींग है, हरियाणवी अगर मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा सही। तो कीपिंग अ थॉट इन आर माइंड कि फिटनेस का भी ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम कल डाइट वाइट का थोड़ा करेंगे, बाकी का वर्कआउट फटाफट से निपटाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। बताओ भाई ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सेट है, इसमें अपना मैक्सिमम देना। और मेरे को ना ऑलरेडी यहाँ पेन हो गया भाई सब मसल में, पता नहीं, बट लेट्स फिनिश इट अप। क्रैम्प भाई बहुत गंदा। अच्छा ऐसा कर लो हाथ। हाँ भाई डिहाइड्रेशन मेरे को फील हो रही थी यार, डिहाइड्रेशन पहले ही, मतलब पानी की जब भी कमी होगी ना बॉडी में ऐसी तैसी होती होती है, बहुत गंदा क्रैम्प पड़ा यार। बंद कर थोड़ी देर ना, 2 मिनट रेस्ट करना पड़ेगा उसके बाद करेंगे। तो भाई वो क्रैम्प पड़ गया, आपने देख लिया होगा, बहुत एक्सट्रीम पेन हो गया यहाँ पे बाइसेप्स के, एक इधर वेन में था, पता नहीं कहाँ था, समझ सा नहीं आया, लेकिन अभी के लिए वर्कआउट कर दिया कंप्लीट। लाइट कहाँ है भाई, बैटर, यहाँ बैटर लाइट है, एक बार फ़ैन ऑफ कर देता हूँ। हाँ तो जितना भी दिखा पाया आपको दिखाया, पेन थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब देखता हूँ कुछ खाने पीने का मिलता है तो बाहर, क्योंकि घर पर तो नॉन वेज की डाइट हो नहीं पाती। तो भाई वर्कआउट हो गया कंप्लीट, अभी निकलते हैं घर के लिए, करारी करारी सीट पर बैठेंगे, अभी हुई अपनी थोड़ी सी, आह हा हा मज़ा आ गया भाई। चलो मोड़ लो, कुछ खाने पीने का मिलता है तो देखते हैं, अदरवाइज चलते हैं। थोड़ा आराम से चलाइए भाई, नया नया ड्राइवर है तू, नया गाँव। एक तो पेन हो गया एक्सट्रीम पता नहीं, पर चलो सह लेंगे, थोड़ा थोड़ा आराम से चला ले भाई, लास्ट राइड है क्या। तो भाई ये है 10 अंडों का अपना वाइट, और कम से कम बटर लगवा के डाइट की पूर्ति करने की पूरी कोशिश है भाई, बहुत ज़्यादा पैसे ना लगा दियो अब अगर मैं वो करने लग रहा हूँ तेरे साथ, इतना बड़ा शाउट आउट दे दूँगा इतनी भीड़ हो जाएगी, समझ नहीं आएगा, ये सारे अंडे कम पड़ जाएंगे देख लियो शाम से पहले। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दियो ताकि ना थोड़ा सा लोग देख भी लें आके, तेरी भाई तेरी भी तो वीडियो आएगी आज रात को ही आ जाएगी देख लियो। और रात तो रात फेमस। अबे बहुत ज्यादा है भाई, कम कर, उठा दे उठा दे, बस एक बार चिपकाने थे फिर भाई, यार कैसे निकालेगा फिर यार, बहुत ज्यादा लगा दिया यार, मोटा हो जाऊंगा मैं, कम कर यार, कौन है भाई, बहुत ज्यादा लगा दिया यार, चल ये फिर चिपक जाओगा ना, कहाँ चिपक जाएगा भाई, पेट्रोल थोड़ी उड़ जाएगा, निकाल दे यार, यार बहुत ज्यादा हो गया पता है, फिर सारे 10 के 10 इसी में बना दे अब,
और मत डालियो, सारे 10 अंडे इस पे डाल दे, मैं तो कच्चे पक्के खा लूंगा, कोई बात नहीं। ले आए पानी, तो ये अंडे हो गए तैयार, ये पाँच अंडे, 10 अंडे हो जाएंगे। एक प्रोटीन का ले लिया इसको, 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन आई हैव लोडिंग इन माई बॉडी। और ये खाने के बाद अब चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी सनलाइट की भी कमी है इस तरफ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, कीप सब्सक्राइब के लिए बोल दें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपकी बार हमें पता है, पिछली बार नहीं किया था आपने, पिछली वीडियो में बोला था जो, तो आपकी बार 50 रुपये कट। बाय। मेहनत मैंने रुकने ना दी, चाहे किस्मत चली ना मेरी, अपनी खाली थाली खाली खाते खाने को थानी, तो मालूम था खा लूंगा सीन, जिस जगह पे इनकी गलती है बस उसी जगह पे मैं डालूंगा घी। आग लगा देगा भाई तेरा पूरी दुनिया।